सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के कॉलेज द्वारा हिजाब, नकाब, बुर्का और टोपी पर लगाए प्रतिबंध पर रोक लगा दी है। आप देख रहे हैं जिफी न्यूज और आप देखना शुरू कर चुके हैं जिफी न्यूज। खबर क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि तिलक और बिंदी पर इस तरीके का प्रतिबंध क्यों नहीं है। मुंबई के एएन आचार्य और डीके मराठे कॉलेज ने कैंपस में हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल और टोपी पहनने पर बैन लगाया था। इसके खिलाफ 9 लड़कियां बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंची थी। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कॉलेज सर्कुलर लागू करने पर 18 नवंबर तक रोक लगा दी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने इस आदेश पर सवाल उठाए और धार्मिक प्रतीकों पर सिलेक्टिव प्रतिबंध लगाने के कॉलेज के निर्णय की आलोचना की। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि स्टूडेंट्स को क्लास के अंदर बुर्का पहनने की और कैंपस में धार्मिक गतिविधियों की इजाजत नहीं दी जा सकती है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा था कि स्टूडेंट को क्या पहनना या क्या नहीं पहनना है यह वही तय करेंगे। एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स पर अपनी पसंद नहीं थोप सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज से कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपको अचानक पता चलता है कि देश में कई धर्म हैं। अभी तक ऐसे कोई नियम नहीं थे। अगर कॉलेज का इरादा स्टूडेंट की धार्मिक आस्था को उजागर न करने का था तो उसमें तिलक और बिंदी पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? क्या स्टूडेंट के नाम से उनकी धार्मिक पहचान उजागर होती है? आगे कोर्ट ने नसीहत दी कि अंतरिम आदेश का दुरुपयोग ना हो। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की डबल बेंच ने इस केस की सुनवाई की। बेंच ने कहा कि कोर्ट के अंतरिम आदेश का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि इससे छात्रों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं, छात्रों की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि यह नियम उनके धर्म का पालन करने के मौलिक अधिकार, निजता और पसंद के अधिकार का उल्लंघन करता है। इस पर 26 जून को बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि सभी छात्रों पर ड्रेस कोड लागू है, चाहे वो किसी जाति या धर्म का क्यों ना हो। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि ड्रेस कोड को अनुशासन बनाए रखने के लिए लागू किया गया है। यह संविधान के तहत शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन के मौलिक अधिकार के अनुरूप है। इसी बयान के साथ कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। दूसरी बड़ी खबरों में, दिल्ली ने 1 जनवरी 2018 से 8 अगस्त 2024 के बीच किसी भी दिन के लिए सबसे स्वच्छ वायु गुणवत्ता सूचकांक, जिसको AQI कहते हैं, वो रिकॉर्ड किया। केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल CAQM के अनुसार गुरुवार को दिल्ली वासियों ने 53 के AQI के साथ सबसे स्वच्छ हवा में सांस ली। राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक श्रेणी में 4:53 पर रिकॉर्ड किया गया, जैसा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया है। AQI के अनुसार 0 से 50 के बीच का AQI अच्छा, 51 से 100 संतोषजनक और 101 से 200 मध्यम, 201 से 300 खराब, 301 से 400 बहुत खराब और 401 से 500 गंभीर माना जाता है। तीसरी बड़ी खबरों में, इराक की संसद में लड़कियों की शादी की उम्र 9 साल और लड़कों की शादी की उम्र 15 साल करने को लेके एक विवादित विधेयक पेश किया गया है, जिस पर मानवाधिकार समूहों और महिलाओं के संगठनों ने काफी चिंता जताई है। उन्हें डर है कि इस बदलाव से महिलाओं के अधिकारों में कमी हो सकती है, जैसे कि विरासत, तलाक और बच्चों की देखरेख के मामलों में। अगर यह बिल पास हो जाता है तो यह 9 साल की उम्र की लड़कियों और 15 साल के लड़कों की शादी की अनुमति देगा। इससे बच्चों की शादियों और युवा लड़कियों के शोषण की आशंका बढ़ेगी। यह महिलाओं के अधिकारों और लिंग समानता के लिए रिग्रेसिव साबित होगा। यह विधेयक छोटी उम्र के शादियों के खतरों को नजरअंदाज करता है। उनका मानना है कि धार्मिक नेताओं को शादी के फैसले का अधिकार देने से इराकी कानून के तहत समानता के सिद्धांत को नुकसान होगा और इससे 9 साल की उम्र की लड़कियों की शादी की अनुमति मिलेगी।
मिलेगी जिससे उनके भविष्य को और खतरा हो सकता है। वहीं इस बिल के समर्थकों का कहना है कि इससे इस्लामिक कानून और अधिक मजबूत होंगे। युवा लड़कियों को अनुचित संबंध से बचाया जा सकेगा। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार इराक में पहले से ही 28% लड़कियां 18 साल की उम्र से पहले शादीशुदा हैं। वर्तमान में इराक में कानून कहता है कि शादी के लिए लोगों की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। हालांकि इराक के न्याय मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नए कानून के तहत लोग यह चुन सकते हैं कि वे पारिवारिक मामलों के लिए धार्मिक नियमों का पालन करें या नागरिक न्यायालय प्रणाली का उपयोग करें। चौथी बड़ी खबर है, बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के गिरने के बाद से अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य हिंसा का सामना कर रहे हैं। दो हिंदू संगठनों के अनुसार 5 अगस्त के बाद से 52 जिलों में 205 हिंसा की घटनाएं हुई है। बांग्लादेश हिंदू बुद्ध ईसाई एकता परिषद और बांग्लादेश पूजा उत्सव परिषद ने शुक्रवार को अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने हिंसा की घटनाओं के आंकड़े प्रस्तुत किए। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों, घरों और व्यवसायों को तोड़ा गया, महिलाओं पर हमला किया गया और कम से कम 2 हिंदू नेताओं की हत्या कर दी गई जो हसीना की पार्टी आवामी लीग से जुड़े हुए थे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बांग्लादेश में माइनॉरिटी पर हो रहे इन हमलों के खिलाफ अपना विरोध जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के नए चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूसुफ को बधाई देते हुए अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर चिंता जताई और उम्मीद की थी कि जल्द से जल्द शांति कायम हो। तो ये थी अभी तक की सबसे महत्वपूर्ण खबरें। आप देख रहे थे जिफी न्यूज़। खबर क्या है, मैं हूं नील। बहुत बहुत धन्यवाद।